नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 35 फीट बाई 41 फीट के हाउस प्लान की। दोस्तों जिसका प्लॉट एरिया हो जाता है 1435 स्क्वायर फीट, 1435 स्क्वायर फीट। अगर गज में बात करें तो लगभग 160 गज का ये हमारा प्लॉट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर बहुत से हाउस प्लान देखने को मिलेंगे। अगर आपके प्लॉट साइज़ थोड़ा छोटा है तो या फिर थोड़ा बड़ा है तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर वहाँ पर बहुत सारे प्लान मैंने डाले हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 35x41 का हमारा प्लॉट था और ये तीनों साइड से जो है वो ब्लॉक था, किसी दूसरे का जो है घर बना हुआ था, फ्रंट में जो है वो 12 फीट की रोड थी। दोस्तों ये हमारा गेट हो जाएगा, गेट के आगे आपको मिल जाएगा पोर्च, और पोर्च का जो साइज है वो है 10 फीट 3 इंच बाई 16 फीट 3 इंच का। आपका यहाँ पर एक कार पार्क हो जाएगी और दो टू व्हीलर आपके यहाँ पर पार्क हो जाएंगे। दोस्तों ये प्लान हमने यहाँ पर फ्रंट में 3 फीट छोड़ के बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका वरांदा हो जाएगा, 5 फीट वाइड का वरांदा रहेगा। स्टेयर केस को हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप इसको अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ की तरह हमने स्टेयर केस बनाई हुई है। अगर आप दो भाई हैं तो आप इसको बाहर से स्टेयर केस को यूज़ में ला सकते हैं। आपका जो है अंदर वाला गेट बंद हो जाएगा, बाहर वाला ओपन रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ये हमारा वरांदा होगा तो वरांदे से हमारे ये D2 साइज का एट डोर रहेगा। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ये सीढ़ियाँ आपके अंदर से यूज़ हो जाएंगी, अगर आप इसको ओपन रखते हैं तो ये सीढ़ियाँ आपकी बाहर से भी यूज़ हो जाएंगी। दोस्तों ये आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा 16 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है। 16 फीट बाई 10 फीट का आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा। वेंटिलेशन के लिए आपको पूरा स्पेस यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर हमने 7 फीट की विंडो लगाई हुई है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप किसी भी साइज़ की विंडो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों ये हम आपका लोबी और डाइनिंग एरिया हो जाएगा 10 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 6 इंच का, ठीक है। हमने यहाँ पर दो टॉयलेट दे रखे हैं, एक टॉयलेट कॉमन रहेगा उसको सभी यूज़ कर सकते हैं, और एक टॉयलेट आपका अटैच रहेगा जो कि बेडरूम के साथ है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का। यहाँ पर हमने हैंड वॉश भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं लोबी से भी हम यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर इस तरह से। अगर आप ये गेट बंद कर दोगे यहाँ पर तो आप सीढ़ी को बाहर से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी किचन हो जाएगी 7 फीट बाई 8 फीट की। किचन को अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप पोर्च की तरफ इसको और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये आपका बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा जिसका साइज़ है 10 फीट बाई 12 फीट का, ठीक है। दोस्तों ये बेडरूम नंबर 2 हो जाएगा जिसमें हमने अटैच दिया हुआ है ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट, और इस बेडरूम का साइज़ आप देख सकते हो 11 फीट बाई 12 फीट का है, और इसमें ड्रेसिंग प्लस आपको टॉयलेट मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे आप देख सकते हैं ढाई ढाई फीट जो है छोड़ा हुआ है, पीछे ढाई फीट छोड़ा हुआ है इस साइड भी, और लेफ्ट साइड में भी ढाई फीट छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने ढाई फीट छोड़कर जो है वेंटिलेशन के लिए हमने छोड़ा हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन सबको मिल सके। तो वेल वेंटिलेशन हमने ये जो है हाउस प्लानिंग हमने की हुई है। तो ये था दोस्तों हमारा 35 फीट बाई 41 फीट का हाउस प्लान। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अगर आपको अपने घर का डिज़ाइन करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमने फ़ीस रखी हुई है प्लानिंग की वो हमने रखी हुई है 999 रुपये, ठीक है। 999 रुपीज़ मैंने जो है प्लान फ्लोर प्लान की फ़ीस रखी हुई है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।